हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रकाशिकी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बराबर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो हम लोग का हेडिंग है टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग तीर कहते हैं, टी आई आर के नाम से जानते हैं। टी से टोटल हुआ, आर से इंटरनल हुआ, टी से टोटल हुआ, आई से इंटरनल हुआ और आर से रिफ्लेक्शन हुआ। इसको हिंदी में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, समझ गए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है क्या एक्चुअली, तो प्रकाश की एक घटना होता है, एक इवेंट होता है। तो कैसा है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। एक फिगर हम लोग तीन ड्रॉ किए हुए हैं, इसी फिगर से हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में डिटेल डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, तो मेरे पास एक सरफेस है जो दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह है। तो ये हमारा एक सतह है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। ऊपर वाला जो माध्यम है उसको हम लोग सघन माध्यम लेंगे, सघन माध्यम, और नीचे वाला जो सतह है उसको हम लोग विरल माध्यम लेंगे। सघन को हम लोग इंग्लिश में डेंसर मीडियम कहते हैं, और डेंसर को ही शॉर्ट में अगर देखा जाए तो हम लोग डी भी लिख सकते हैं, या डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक होगा, क्योंकि अलग अलग माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। इसीलिए ऊपर है डेंसर मीडियम, तो इसका अपवर्तनांक हम लोग का सिंपल आएगा म्यू से अपवर्तनांक, डी से डेंसर, यानी म्यू डी सिंपल लेंगे सघन माध्यम का अपवर्तनांक का। नीचे मेरे पास क्या है, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम को इंग्लिश में रेरर मीडियम कहते हैं, और रेरर का पावर क्या होता है, आर। इसीलिए इसका अपवर्तनांक जो होगा, समझ गए, अपवर्तनांक का सिंबल म्यू होता है, तो हम लोग यहां म्यू देंगे, और इंग्लिश लेटर है रेरर, यहां पे आर है, तो ये पावर लेटर यहां आर जोड़ देंगे। इसीलिए विरल माध्यम का अपवर्तनांक आपका म्यू आर हो गया। अब हमको क्या करना क्या है, प्रकाश की देखेंगे, प्रकाश कैसे यहाँ पे फॉलो करता है। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, जब प्रकाश जो होता है, हम लोग पहले से जान चुके हैं कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है, समझ गए। तो यहां से देखेंगे फर्स्ट फिगर में मेरे पास यहाँ तीन फिगर अवेलेबल है, फर्स्ट फिगर है ए, सेकेंड फिगर बी, और थर्ड फिगर हमारे पास डी अवेलेबल है। तो ए बी सी अवेलेबल है, तीन फिगर है। तो प्रकाश देखेंगे फर्स्ट फिगर यानी ए में, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है। तो यहां पे देखेंगे ध्यान से, ये वाला आपतित किरण होगा और ये वाला आपका अपवर्तित किरण होगा, यानी यहां दो कोण बनेगा, एक आपतित किरण के साथ और अभिलंब के साथ। ये वाला जो सीधी टूटी रेखा दिख रहा है, डॉट रेखा, उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो इसीलिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग आई कहते हैं, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर कहते हैं, जिसको हम लोग अपवर्तित, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हिंदी में अपवर्तन कोण कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे तीन केसेस है, इसीलिए हम यहाँ पे आई वन कर देंगे और यहाँ पे हम लोग आर वन कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फिगर कंसीडर करेंगे। तो सेकेंड फिगर हम करेंगे क्या, एक्चुअली जब प्रकाश को सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटेगा, तो तीनों केसेस में प्रकाश सघन से विरल में ही जा रहा है, ठीक है। हमको यहाँ करना क्या है कि एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। तो हम लोग जैसे जैसे आई का मान या आई वन का मान, इसको आप लोग आपतन कोण कहते हैं, तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम लोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान यानी इसका मान बढ़ जाएगा। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आई वन का मान हम लोग बढ़ाएंगे, आई वन का मान अगर बढ़ाएंगे तो आर वन का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग I1 का मान धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे I1 का मान थोड़ा और बढ़ा के लेंगे, तो मान लेंगे I2 लिए, I2 का मान ज्यादा होनी चाहिए I1 से,
तो कंफर्म है कि यहां जो आपके पास एंगल बन रहा था ठीक है ना, वो और बढ़ेगा, R1 का मान और ज्यादा बढ़ेगा, तो इतना बढ़ा देना है कि I2 का मान जो है वो C के बराबर हो जाए, यानी कहने का अर्थ हुआ कि I2 का मान आपका C हो जाए। I2 का मान C का अर्थ हुआ, C को हम लोग बोलते हैं क्रांति कोण। और जब क्रांति कोण किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जब अपवर्तित जब अपवर्तन कोण जो होता है 90 डिग्री हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो I का मान होता है उसी को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। तो I2 क्या बन जाएगा, C क्रांति कोण। तो क्रांति कोण में अपवर्तन कोण कितना हुआ, 90 डिग्री, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हुआ, तो ये I को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रांति कोण बोलेंगे। तो यहां I2 है तो I2 को C कहेंगे। ओके, अब तीसरा फिगर में क्या कर रहे हैं कि आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा देना है, आपतन कोण को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो अपवर्तित किरण जो है वो दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, समझ गए। आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाना है, तो क्रांति कोण से ज्यादा कर देना है। जब क्रांति कोण से ज्यादा कर देंगे, यानी क्रांति कोण का सिंबल सी लेते हैं, तो सी से ज्यादा कर देना आई का मान, तो जहां जो आर बन रहा है ये आर का मान 90 से ज्यादा हो जाएगा। जब 90 से ज्यादा हो जाएगा तो अपवर्तित किरण जो होता है वो दूसरे माध्यम में ना जाकर, ठीक है ना, वो पहले माध्यम में ही क्या होता है, पुनः वापस मिल जाता है। तो प्रकाश की यही जो घटना होता है थर्ड वाला फिगर को, इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका आप डिफिनेशन देना चाहते हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विलंब माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है, और जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। फिर जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो जाता है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रांति कोण से ज्यादा कोण बढ़ा देते हैं, आपतन कोण का, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो अपवर्तित किरण जो होता है जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस चल जाता है, दूसरे माध्यम में नहीं जाता है। इसी घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, समझ में आ गया। और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।